फूल एकदम गरम और एकदम अच्छे लेंथ में, अच्छे हाइट में फूल एग्रेसिव है माशाल्लाह, एक नंबर चीज है। अगर कोई बीडर के हिसाब से भी लेना चाहे तो ले सकता है, कुर्बानी के रिलेटेड भी चाहे तो ले सकता है, बहुत अच्छी चीज़ है और अच्छा इसमें बनने लायक आइटम है। खाली आगे की झालर देखो, झालर इसकी इतनी प्यारी झालर है, ऐसी झालर के बकरे माशाल्लाह बहुत कम होते हैं रेयर क्वालिटी में। डिस्क्लेमर, ध्यान से देखें, अगर किसी को हमारे MDRE YouTube चैनल पे वीडियो बनवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने का कोई पैसा वगैरह नहीं लेते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे, फिटफाट होगे। तुरंत फिर एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम इमरान भाई के यहाँ पर रीडा एनिमल गोट फीड के पास में, जिसे हम कहेंगे रीडा गोट फार्म भी। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम आरिफ भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई, ये वीडियो में क्या है, ये बकरे की खासियत क्या, और क्या हाइट पे, क्या लेंथ पे, क्या वेट में, जरा बताएंगे। आरिफ भाई, ये ना इसकी माँ थी हैदराबादी, सेम कलर जी, बाप फुल वाइट पतीरा था। अच्छा, लेकिन कलर लिया, कलर माँ का लिया और चेहरा बाकी मुंडा पूरा पतीरे का लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, बकरा भी काफी एकदम एग्रेसिव गरम बकरा है। अरे बहुत, 6 महीने का बच्चा लिया था मैंने, कम से कम 2.5 साल हो गया मेरे पास। अच्छा, जल्दी बेटा, 6 दांत कर रहा है, अभी 6 दांत कर रहा है, ये कर दिया रहेगा, मतलब बकरा बहुत मस्ती कर रहा है ना, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा वो लड़के के। इधर ले ले बेटा, आगे ले ले, ये क्या कुछ हुआ था क्या? ये उसके थोड़े बाल निकल गए। अच्छा, तो उसमें घसते रहते ना केज में, बाकी उसका कुछ नहीं ना। तो अभी कितने हाइट पे होगा ये? 37 वगैरह होगा। 37 वगैरह होगा ना, ठीक है। तो क्या वेट में होगा अभी तकरीबन? 70 केजी होगा। तो मतलब किसी को अभी फिलहाल हकीकत के लिए चाहिए या फिर न्यास वगैरह के लिए चाहिए तो चल जाएगा, या फिर कुर्बानी के लिए भी आदमी चाहे तो रख सकता है ना। हंडल बहुत भारी है, बहुत भारी है, फुल एग्रेसिव, अंदर से अंदर अंदर बकरी का झुंड है ना, तो बकरियों का दीवाना है एकदम ये, बहुत अच्छी। और एक बकरा है, ये देख सकते हो आप, इसका चेहरा मेरा फुल पिंक स्किन में, कान छोड़ बैठा के रुकता ही नहीं है बाप, फुल एग्रेसिव है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये सीधा गाले में जाएगा, ये भागा। इमरान भाई, बकरा तो अंदर चला गया, अभी दूसरा बकरा भी अपने पास है ना? हाँ। ठीक है, दूसरा बकरा निकाल लेते पहले। दोस्तों, इमरान भाई के पास फीड वगैरह भी मिलती है, जब तक बकरे ला रहे आप देख सकते हैं, तुअर, भूसा, हरी पत्ती और भी कई गुड़ वगैरह है, मिक्स है, मिक्सर है, जैसा कि बताऊँ मिक्स फीड वगैरह है और सीरीन वगैरह, टोटल आइटम मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक करके, चना वगैरह है और ये क्रेट वगैरह जैसा कि खाने के लिए ले, ब्लॉक्स है और कटर वगैरह है, मशीन है, लीवर टॉनिक है, काफ़ी चीज़ इमरान भाई के पास मिलती है। मतलब समझो कि एनिमल्स के रिलेटेड एक छोटा सा मेडिकल, मेडिकल के अलावा इनके फीड वगैरह सब मिलते हैं, आप देख सकते हो। लॉबर्ट्स के भी कुछ आइटम शायद हो गए इनके पास, उसके रिलेटेड भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये बकरे का एग्रेसिव दिखा दे रहे, बाप रे बाप, बाबू भैया से बाबू बन गया रे बाबा, इसको हटा लो नहीं तो ये मुसीबत करेगा। देख सकते हैं इसका गरम एग्रेसिव बना। ठीक है, ये पूरा इमरान भाई का फार्म है, आप इधर इनका फीट का भी देख सकते हैं और एक तरफ इनका पूरा केजेस बना हुआ है, सब बकरी वगैरह बनी हुई है। ठीक है, अभी दूसरा ले लेते हैं। तो ये दूसरा बकरा आप देख सकते हैं, कोटा है, फुल एग्रेसिव है, जलेबी सिंह में है और फुल लंबे लंबे कान, जैसे कि हैदराबादियों का कान रहते हैं लंबे लंबे, और फुल पिंक स्किन में और एकदम गर्म है। इमरान भाई, इसकी डिटेल बता दो ना थोड़ा। भाई, ये 6 दांत पे है जी, और एक 55-60 किलो होगा जी, 55 किलो होगा, 60 भी नहीं होगा, क्योंकि बकरियों के बीच में रहता है तो वजन का तो मतलब ही नहीं। हाइट मेरे ख्याल से 35-36 होगी। अच्छा, गुलाबी है पूरा, पूरा गुलाबी है, बकरी ऐसी से लगी है, जो भी क्रॉस है। अच्छा, सब बकरी इससे लगी है ना। देख सकते हो आप, अच्छी लंबी लेंथ का बकरा है, फ्रेम देख सकते हैं घोड़े के ऐसी फ्रेम, एकदम बनावट इसकी एक नंबर है और अच्छे कान के, अच्छे लंबे लेंथ में है। मैं नजदीक से आपको इसके दिखा दूं, गुलाबी बना और एक आदमी से काबू नहीं हो सकता, कान देख सकते हो आप,
अच्छे लंबे लंबे कान के सिंग वगैरह देख सकते हो, अच्छे सिक्के के हैं और सीना वगैरह देख सकते हो काफी भरा हुआ है, अच्छी रेयर क्वालिटी में है। एक बार इसको ना वहाँ ले लेते, ले बेटा वहाँ ले, चला के भी दिखा देते। ये एक आदमी से काबू में नहीं आने वाला आइटम है। इधर ले, ये देख सकते हैं आप, इसको हम लोग छोड़े हैं। फूल एकदम गरम और एकदम अच्छे लेंथ में, अच्छे हाइट में फूल एग्रेसिव है, माशाल्लाह एक नंबर चीज है। अगर कोई बीडर के हिसाब से भी लेना चाहे तो ले सकता है, कुर्बानी के रिलेटेड भी चाहे तो ले सकता है, बहुत अच्छी चीज़ है और अच्छा इसमें बनने लायक आइटम है। खाली आगे की झालर देखो, झालर इसकी इतनी प्यारी झालर है, ऐसी झालर के बकरे माशाल्लाह बहुत कम होते हैं रेयर क्वालिटी में। ठीक है, इसको अंदर ले बेटा। तो इमरान भाई इसको भी सेल करना है ना? हाँ। अपन दो बकरा देखे तो दोनों बकरे का कैसा है प्राइस? फोन पे बता देंगे आरिफ भाई। जी जी फोन पे बता देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इमरान भाई का नंबर मैं स्क्रीन पे चला दूंगा, आप इमरान भाई का नंबर देख के अगर जिसको पसंद आए तो कांटेक्ट कर लेना। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है आरिफ असील फार्म करके, उसको भी आप चाहे तो फॉलो कर सकते हो, उसमें भी हम बकरों के रिलेटेड वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, और किसी को फीड वगैरह चाहिए तो भी आप इमरान भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सो भाई, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये नंबर इमरान भाई का है।